नमस्कार दोस्तों, बड़ी खबर बिहार से, जहां 6 लेन के नए कोइलवर पुल को औपचारिक रूप से खोल दिया गया है। जी हां दोस्तों, सोन नदी पर 158 साल बाद बिहार को नए पुल का तोहफा मिला है। इसके उद्घाटन के बाद बक्सर, रोहतास, कैमूर, छपरा, आरा से पटना जाने का रास्ता आसान हो गया है। NH-30 पर कोइलवर में सोन नदी पर बने इस अपस्ट्रीम पुल को बनाने में 266 करोड़ की लागत आई है। ये पुल कोइलवर सड़क सह रेल पुल के करीब 500 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। 6 लेन का ये पुल 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिस पर फिलहाल 3 लेन में ही ट्रैफिक का परिचालन शुरू किया गया है। बचे हुए 3 लेन को मई 2021 तक खोले जाने की उम्मीद है। अभी आरा से पटना आने वाले ट्रैफिक द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा सकेगा। पटना से आरा जाने के लिए पुराने कोइलवर पुल का ही इस्तेमाल करना होगा। नए पुल का अभी तक नामकरण नहीं हुआ है। इसका नाम भोजपुर के महान गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर रखने पर विचार किया जा रहा है। इस पुल से भोजपुर सारण जाने वाले लोगों को जाम से निजात मिलेगी। पटना से बिहटा के रास्ते भोजपुर और सारण जाने वाले लोगों को अब घंटों जाम में नहीं फंसना पड़ेगा। कोइलवर के पुराने पुल पर हमेशा जाम रहने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब नए पुल के खुल जाने से लोगों को जाम से निजात मिल जाएगी। यातायात शुरू होने से दक्षिण और मध्य बिहार के पटना, आरा, रोहतास, बक्सर, छपरा आने जाने में सुविधा होगी। इसके अलावा निर्माण सामग्री, बालू, गिट्टी आदि की ढुलाई भी आसानी से हो पाएगी। NH-30 कॉरिडोर के पूरा होने से स्वर्णिम चतुर्भुज और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते राज्य का देश के अन्य हिस्सों से सीधा जुड़ा हो जाएगा और दिल्ली से पटना के लिए एक बेहतर रूट का विकल्प मिल जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा बिहार के विभिन्न हिस्सों में निर्माण सामग्री, गिट्टी बालू की ढुलाई में सुविधा होगी और कृषि उपज और स्थानीय और अन्य उत्पादों की बड़े बाजारों तक पहुंच आसान हो सकेगी। इस पुल के उद्घाटन के साथ समय और ईंधन की बचत के साथ साथ प्रदूषण में भी कमी आएगी। इस लिहाज से नया कोइलवर ब्रिज बिहार वासियों के लिए वाकई एक बड़ा तोहफा साबित होने वाला है।